अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू उज़मा ज़मान किचन। आज मैं बना रही हूँ तवा चिकन, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, टेस्ट में लाजवाब होता है। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चिकन के दो लेग पीस लिए हैं, इनको इस तरह से कट लगा लेंगे। मैरिनेशन के लिए दही लिया है 1/2 kg, मिल्क पैक क्रीम 1/2 कप, नमक 1/2 teaspoon, कुटी काली मिर्च 1 teaspoon, लहसुन पाउडर 1 teaspoon, अदरक पाउडर 1 teaspoon, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन डालकर अच्छी तरह डिप कर दें। बर्तन आपने ऐसा लेना है जिसमें चिकन पीस अच्छी तरह से डिप हो जाएं। कवर करके 3 घंटे मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख देंगे, अगर सर्दी है तो बाहर ही रहने दें। 3 घंटे बाद फ्रिज से निकाला है। तवे पर 2 tablespoon ऑयल ऐड करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का तवा नहीं है, आप कढ़ाई या फिर किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। चिकन को ऑयल में फ्राई करना है ताकि दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ जाए। फ्लेम हाई रखेंगे। दही और क्रीम मिला मिक्सचर अभी ऐड नहीं करना, वो बाद में ऐड करेंगे, पहले सिर्फ हमने इसको कलर देना है। ये देखें, दोनों साइड पे अच्छा सा कलर आ गया है। अब फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालते जाएंगे और इसको पका लेंगे। ज़्यादा दही में मैरिनेट करने का मकसद ये था कि ये मक्खन की तरह सॉफ्ट बनेगा। अगर आप बोनलेस चिकन बनाना चाहते हैं तो इसी मेथड से वो भी बना सकते हैं। इसको बनाने का एक और आसान तरीका ये भी है कि इसको कढ़ाई में डाल दें, दही और क्रीम मिला मिक्सचर भी साथ ही डाल दें और इसको कवर कर दें। ये दही के पानी में पक जाएगा, बाद में ऑयल डालकर इसको कलर दे लें। जो तरीका आपको इजी लगता है उस तरीके से बना लें। दोनों साइड पर मिक्सचर डालते जाएंगे और लो फ्लेम पर पका लेंगे। फ्लेम तेज़ नहीं करनी वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसमें बहुत कम स्पाइसेस यूज़ हुए हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है और झटपट से रेडी भी हो जाता है। इस तरह चम्मच की मदद से काट के अंदर भी मसाला डालें ताकि जब खाएं तो अंदर से भी मसाले का टेस्ट आए। अब इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए 3 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, 2 lemon के slice ऐड करेंगे। मज़ीद 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे ताकि लीमू और मिर्चों का टेस्ट भी इसमें आ जाए। बहुत ही मज़े का तवा चिकन रेडी है। फीडबैक लाजमी दें कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।